नादरीन, आज की ये बहुत ही ख़ास वीडियो, चूँकि दारचीनी के फवायद तो मैंने बहुत सारे आपने भी सुने होंगे, मैंने भी एक दो नुस्खे दारचीनी के हवाले से लगाए, लेकिन आज की इस ख़ास वीडियो में ख़ास उन अफराद को हिट किया गया है जो कि बैरून मुल्क हैं, अरब में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में मेरे व्यूअर्स हैं, उसके अलावा जो भी जिस मुल्क से जो बैरून मुल्क यूरोप के किसी भी मुल्क में, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, कहीं से भी मेरे व्यूअर्स हैं, आज उनके लिए मैं ये बहुत ही ख़ास सिर्फ दारचीनी एक चीज़ सिर्फ उसका जो इस्तेमाल है उसके लिए जो लेप है दफा नामर्दी के लिए, क्योंकि वीडियो का अनुमान इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि दारचीनी एक वो वाहिद चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, नफ्स को, बेजान नफ्स को जानदार, मजबूत, सख्त नफ्स तैयार करने के लिए अगर आप सिर्फ दारचीनी का ये लेप इस्तेमाल कर लें चंद रोज़, उसके बाद रिजल्ट आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे। लाजवाब नुस्खा नाजरीन, बहुत ही कीमती, आज मैं आपकी खिदमत में और नहायत ही सादा, जितने भी मेरे नुस्खे अपलोड किए हैं सबसे सादा नुस्खा आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इसकी तैयारी, इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है और क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो आपने जो हैं वो अप्लाई करनी है। इसके इस्तेमाल से, दारचीनी के इस्तेमाल से मैं उन लोगों को परहेज कहूँगा जो लोग शुगर के मरीज हैं, जिनका ज़ख्म जो है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, शुगर के मरीज इस नुस्खा से दूर रहें। इसके अलावा वो अफराद जिनका नफ्स बेजान हो चुका है, सुखड़ चुका है, नामर्द हो चुके हैं, नफ्स में सख्ती नहीं है, नफ्स में वो अकड़, वो तंदी, वो मजबूती जो जवानी में थी या किसी दौर में थी आपकी, वो अगर आप वापस लौटाना चाहते हैं तो ये लाजवाब नुस्खा आज मैं आपकी खिदमत पेश करने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी रगों में जान आएगी और एक मजबूत नफ्स जो है चंद ही रोज़ में तैयार हो जाएगी। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, वीडियो को फुल मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए दारचीनी का लेप। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने हसबे ज़रूरत दारचीनी ले लेनी है, अवलन उसको खुश्क पीस लें। सबसे पहले आपने उसको जितनी भी आपने हसबे ज़रूरत एक दिन दो दिन जितनी भी आपने ली है हसबे ज़रूरत, आप उसको पीस कर उसका पहले खुश्क पाउडर बना लें, बारीक सफूफ बना लें, पाउडर बना लें, फिर उसको पानी डालकर खूब अच्छी तरह कूटें। एक पेस्ट आपके पास तैयार हो जाएगा, खालिश पेस्ट, ना ही किसी किस्म की मिलावट, और सिर्फ पानी और दारचीनी का इस्तेमाल जो है वो आपने करना है। जब पेस्ट तैयार हो जाएगा अपने पास महफूज कर लें। रोजाना रात को हशवा उसीमन यानी कि नफ्स का अगला हिस्सा और निचला हिस्सा जो खसियों के साथ जाके मिलता है, खसीतैन को बचा कर, निचला हिस्सा बचा कर और नफ्स के अगला हिस्सा कैप को बचा कर आपने पूरे नफ्स पे लेप कर देना है, लगा कर छोड़ देना है। कोई मालिश, कोई ऊपर नीचे हाथ के साथ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लगा कर आपने पान या अरंडी का पत्ता गर्म करके बांध कर छोड़ देना है। अगर पान या अरंडी का पत्ता नहीं मिलता कोई बात नहीं, यूरोप में नहीं मिलता, कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ मिलता है, यूरोप में ये नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन वो लोग अगर जो दूर दूर कहीं रहते हैं तो अगर नहीं मिलता तो वो गर्म पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपको बांध लें, सुबह आपने उठते ही नीम गर्म पानी सबसे पहले लेना है, उसके बाद आपने इस पट्टी को खोलना है और नीम गर्म पानी से साफ कर लेना है। चंद रोज का अमल है नाज़रीन, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आप हफ्ता करके देख लें, आप तीन दिन करके देख लें, आप चार दिन करके देख लें, रिजल्ट आपको ये नुस्खा जरूर देगा, ये हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना दे। उसके बाद चूंकि मैंने शुगर वालों को मना कर दिया, वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बाद अगर आपके नफ्स पे बारीक फांसियाँ या छाला नुमा दाने, कुछ ऐसी चीज निकल आती है, घबराना नहीं है, आपने उस पर नारियल का तेल मिलता है तो ठीक है वो लगा लें, सरसों का तेल लगा लें, मक्खन लगा लें, ये भी नहीं मिलता आप चंबेली का तेल या कोई ऐसा तेल, कोई भी तेल आपको ज़्यादा बेस्ट मैंने आपको जो बताया वो नारियल का तेल है,
आप उसको लगाएं, मक्खन लगाएं और जो है वो इस्तेमाल आप करें, तो उससे ये होगा कि आपके नक्त की रगें जो हैं उनमें जो खराबी है वो दूर हो जाएगी और उदूए खास को एक भरपूर कुवत जो है वो फराम ये दारचीनी जो है ये करेगी। तो नाज़रीन ये था आज का नुस्खा, आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, खास बात जो मालिक में लोग परेशान हैं, मुझे बहुत सारे वीडियोज में नीचे कमेंट्स भी किए गए, मैसेज भी मौसूल हुए, नमर्दी के लिए आप कुछ ऐसा आसान हल बताएं जो बाहर भी आसानी से चीज़ें मिल जाएं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, खास उन अफराद के लिए जो बाहर मुल्क मेरे भाई मौजूद हैं, परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए आज मैंने नुस्खा लगाया। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप शेयर इसको जरूर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मैंने चैनल सब्सक्राइब के लिए यहाँ बटन एक लगा दिया, उस पर क्लिक करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, उससे फायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो नुस्खा लगाऊंगा वो सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, तो आने वाले जितने नुस्खे हैं वो आप पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरे यूट्यूब पे जो लोग मौजूद हैं वो देखेंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि मुझे अच्छी अच्छी टिप्स नुस्खा जाट रोट के आपकी खिदमत पेश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।